Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we take a chapter number 6 of social and political life which name is the rural administration. ठीक है, आज हम chapter number 6 लेने वाले हैं social and political life का, जिस chapter का नाम है rural administration यानी कि गांव का प्रशासन. गांव का प्रशासन, पानी की व्यवस्था देखना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था देखना, ये सब काम कोई आसान नहीं है. जमीन का रख रखाव रखना, दो लोगों की जमीन के बारे में, किसने वो जमीन खरीदी, किसके खेत की कितना नाप है, ये सब कुछ मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है. ये सब काम कैसे किए जाते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखिए बेटा, देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. इंडिया में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा गाँव है. Taking care of their needs of water, electricity and road connection is not a small task. Taking care of need of water, लोगों की पानी की जरूरत को पूरा करना, बिजली की जरूरत और रोड को कनेक्ट करना is not a small task. ये कोई आसान बात नहीं है. In addition to this, और इसके साथ साथ, land record have been maintained. हमें जमीन का रख रखाव भी रखना पड़ता है. एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डील्ड विद, और इससे संबंधित झगड़ों को भी सुलझाना होता है. अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस. इन सबको सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. इस चैप्टर में हम 2 गांव के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी पढ़ेंगे. इन सम डिटेल कुछ विस्तार से बात करते हैं. तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वारल इन द विलेज, गांव में एक झगड़े की. कि गांव में यदि कोई झगड़ा हो जाता है, झगड़ा सबसे पहले आपकी बुक में दिखा रखा है जमीन से संबंधित झगड़ा. देखिए एक पिक्चर भी दिखाई है, ये पिक्चर दे रखी है. देखिए इसमें ये 2 लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं. ठीक है, किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? आसपास का एरिया देखिए, ये खेत दिख रहा है और यहां पर ये दोनों झगड़ रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहां पर देखते हैं. मोहन इज अ फार्मर. मोहन एक किसान है. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके परिवार का खुद की एक छोटी सी एग्रीकल्चर फील्ड, एक खेती हर खेत है. मतलब खेती के लिए उसके पास एक छोटा सा खेत है. Which they have been farming for many years, जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है. Next to his field, और उसके खेत से आगे is Raghu's land, रघु की जमीन है. Which is separated from by a small boundary called a burn, जो कि एक छोटी सी boundary यानी कि burn से अलग हुई हुई है. मतलब 2 खेतों के बीच में एक स्मॉल बाउंड्री के द्वारा दोनों का खेत अलग अलग हुआ हुआ है. बेटा आपने भी देखा होगा कि जब गांव के अंदर आपके भी खेत है, आपने देखा होगा कि 2 खेत जब सेपरेट होते हैं 2 व्यक्तियों के, तो बीच में एक मेड़ मिट्टी की दीवार सी बना दी जाती है ना. मिट्टी को ऊंचा कर एक पोर्शन बना दिया जाता है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ से 2 खेतों की मेड़ डिफर हो गई. ऐसे ही इन दोनों के भी जो खेत है वो भी सेपरेट हो रहे हैं स्मॉल बाउंड्री से. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस, एक सुबह मोहन ने नोटिस किया दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्न बाय अ फ्यू फीट, कि रघु ने अपनी जमीन कुछ फीट आगे शिफ्ट कर दी है. बाय डूइंग सो, ऐसा कर ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड, उसने मोहन की कुछ जमीन को अपनी जमीन में मिला लिया है. एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, जिसके कारण उसके खेत का साइज कुछ बढ़ गया है. मतलब रघु ने क्या किया, रात के समय जो खेत की मेड़ थी वो वहां से हटाकर मोहन के खेत की तरफ बढ़ा दी, जिससे मोहन का खेत छोटा हो गया और रघु का खेत बड़ा हो गया. अब मोहन को बहुत गुस्सा आया. मोहन वॉज एंग्री. मोहन बहुत गुस्सा था. बट ऑल्सो आ लिटिल फ्रेटनेड, लेकिन वो थोड़ा डरा भी हुआ था. रघुस फैमिली ऑन मैनी फील्ड्स, रघु के परिवार के पास बहुत सारे खेत हैं.
एंड बिसाइड्स और इसके साथ साथ हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज और इसके साथ साथ जो इसके अंकल है वो गांव के सरपंच भी है। तो वो डर रहा था, इतना बड़ा व्यक्ति है, इतनी सारी इसके पास जमीन है, इसके अंकल भी गांव के विलेज है। बट इवन सो ही प्लक अप करेज, लेकिन इतना होते हुए भी उसने अपने साहस को जुटाया एंड वेंट टू द रघुज हाउस और रघु के घर पर गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, दोनों के बीच एक गर्मा गर्म बहस हुई। रघुज रिफ्यूज, रघु ने मना कर दिया टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड हिज बर्न, ये मानने से कि उसने अपनी बर्न को, अपनी उस बाउंड्री को आगे बढ़ाया है। ही कॉल्ड, उसने कहा, वन ऑफ हिज हेल्पर, उसने अपने एक हेल्पर से कहा, क्योंकि वो काफी पैसे वाला है तो उसके घर में उसके हेल्पर्स भी हैं, एंड उसने अपने एक हेल्पर को बुलाया एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन, और वे मोहन पर चिल्लाने लगे एंड बीटिंग हिम अप, और उसे मारने भी लगे। द नेबर्स हियर द कमोशन एंड रश द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप, कह रहे हैं जब नेबर्स ने, जो पड़ोसी थे, उन्होंने आवाज को सुना कि हल्ला गुल्ला सुना उन्होंने, क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मोहन को मार रहे थे, जब उन्होंने वो हल्ला गुल्ला सुना तो वो उस जगह पर दौड़ कर आए जहां पर मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, वे मोहन को वहां से ले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड, उसके सिर पर बहुत बुरी चोट आई थी एंड हैंड, और उसके हाथ पर भी चोट लगी थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर, और उसके एक नेबर, एक पड़ोसी के द्वारा उसे फर्स्ट एड दिया गया, यानी कि उसकी मरहम पट्टी की गई। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, और मोहन का एक जो मित्र था जो कि गांव के एक पोस्ट ऑफिस में, गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करता था, सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, कि उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए एंड फाइल अ रिपोर्ट, और एक फाइल दर्ज करवानी चाहिए, एक रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अदर वर डाउटफुल, लेकिन बाकी सब इस बारे में, बाकी सबको संदेह हो रहा था, इफ दिस वॉज अ गुड, अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया, उन्हें लगता था कि यदि ये अच्छा आइडिया है, बिकॉज दे फेल दे वुड वेस्ट, उन्हें लग रहा था कि अच्छा आइडिया नहीं है, इस बारे में वो डाउटफुल थे, क्योंकि दे फेल्ट, वो महसूस करते थे, दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, कि इससे उनका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ दिस, और इससे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट रघुज फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन, और कुछ लोगों ने कहा कि रघु के जो फैमिली वाले हैं, उन्होंने पहले ही पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट कर दिया है, मीन्स इस झगड़े की सूचना उन्होंने पहले ही पुलिस स्टेशन में दे दी है। आफ्टर मच डिस्कशन, काफी डिस्कशन के बाद, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन, कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा अलोंग विद सम ऑफ द नेबर्स, अपने कुछ पड़ोसियों के साथ, हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिन्होंने इस घटना को देखा है, किस घटना को, कि वो लोग मोहन को पीट रहे थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से गांव के लोगों के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा होता है, अब वो सब मिलकर एक पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। तो इससे हम आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो लोग वहां जाते हैं और किस टाइप से वो अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। ठीक है, देखिए, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, वन ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में, वन ऑफ द नेबर सेड, उसके एक पड़ोसी ने कहा, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, कि हम कुछ और पैसा क्यों नहीं खर्च करते, एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, और शहर के मेन पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जाते। उसका मानना था कि हम कुछ और पैसे खर्च कर शहर के बड़े पुलिस स्टेशन में जाते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, उन्होंने कहा, ये कोई पैसे का क्वेश्चन नहीं है, पैसे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वी कैन रजिस्टर द केस, हम अपना केस वहीं रजिस्टर करा सकते हैं, ओनली इन द पुलिस स्टेशन, हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं
बिकॉज अवर विलेज कम्स इट्स इन द एरिया ऑफ वर्क, क्योंकि हमारा गांव उसी पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र में आता है, एक्सप्लेन मोहन मोहन ने बताया। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया, हर एक पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो कि उसके नियंत्रण में होता है। ऑल द पर्सन इन दैट एरिया, जितने भी व्यक्ति उस एरिया में रहते हैं, कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी एंड फाइट एक्सेट्रा। जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो उसी पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो थेफ्ट चोरी की घटना हो, एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इंजरी किसी को चोट आई हो, या फिर फाइट कोई झगड़ा हो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है दैट द स्टेशन टू इंक्वायरी की वो इंक्वायरी करे, छानबीन करे, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन की वो पूरी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन छानबीन करे और कोई एक्शन ले ऑन द केस विद इन द एरिया की, उसके क्षेत्र के अंदर जो भी केस आया है उसकी छानबीन करना, उस पर कार्यवाही करना, ये पुलिस का काम होता है। देखिए बेटा नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स बना हुआ है अब हम इसकी बात करते हैं। इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस, यदि करे यदि आपके घर में चोरी हो जाती है, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट, तो आप किस पुलिस स्टेशन में जाएंगे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए। तो बेटा हम किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करवा सकते, हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं जिसके अंडर हमारा एरिया आता है। मतलब हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया है, एक पुलिस स्टेशन का जितना भी एरिया है उसमें होने वाली कोई भी घटना को हम उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु, मोहन और रघु के बीच डिस्प्यूट किस बात को लेकर झगड़ा था, क्या झगड़ा था कि रघु ने अपनी जो खेत की मेड थी, जो बाउंड्री थी, उसे मोहन की खेत की तरफ बढ़ाकर मोहन के खेत को छोटा और अपने खेत को बड़ा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई वाज मोहन वरिड अबाउट पिकिंग अ क्वायर विद रघु, और मोहन क्यों डर रहा था रघु से झगड़ा करने में। तो बेटा मोहन डर रहा था रघु से झगड़ा करने में कि उसे लग रहा था कि रघु के पास तो बहुत से खेत है और जो उसके अंकल है वो गांव के सरपंच भी हैं, तो उसे डर लग रहा था कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से झगड़ा कैसे मोल लूं। क्वेश्चन नंबर फोर, सम पीपल सेड मोहन, कुछ लोगों ने मोहन को कहा, शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस स्टेशन, कि वो इस मैटर की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाए, एंड अदर्स सेड ही शुड नॉट, और कईयों ने कहा नहीं। व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। एक ने तो कहा हमें इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, और जबकि दूसरों ने क्या कहा कि इससे क्या होगा, वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ दिस, और इससे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो आज आप अपना इतना ही टॉपिक पढ़िए, इससे आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।